सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली गैस, ये वीडियो है ना, मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि भाई मेरा प्रमोशन कर दो, प्रमोशन कर दो, प्रमोशन कर दो। आप सभी को बताया कि जो मेरा चैनल है ये लगभग 3 महीने तक फ्रीज हो चुका था, यानी कि हट चुका था यूट्यूब से। उसके बाद 3 महीने के बाद ये वापस आया, बहुत ही संघर्ष किया मैंने। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद गाइज, यहाँ पे मेरी एक वीडियो रिसेंटली एक वायरल हुई जहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ, और कभी भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी भी मैंने किसी को जाकर नहीं बोला कि मेरी प्रमोशन कर दो। ठीक है, तो मैं यार ये वीडियो मैं इसीलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी एक है ना हिम्मत हो, आपके अंदर भी एक हिम्मत जागे और आप सभी है ना इस वीडियो को फॉलो करो और आप भी एक दिन जाके एक बहुत ही सक्सेसफुल क्रिएटर, मैं बड़ा क्रिएटर नहीं बोलता हूँ, बड़ा या फिर छोटा कोई क्रिएटर नहीं होता, मैं आपको कहना चाहूँगा कि सक्सेसफुल क्रिएटर। ठीक है, तो गाइस अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइस, यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, भाई बोलता है कि भाई मैंने शादी कर ली है और वो घर छोड़ चुका है उस लड़की के लिए, उसने अपना घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ने के बाद अभी वो बंदा जॉब ढूंढ रहा है और उसको थोड़ी बहुत जॉब मिल चुकी है, लगभग 4-5 हज़ार की जॉब उसे मिल चुकी है, लेकिन वो अभी एज ए पार्ट टाइम वो यूट्यूब स्टार्ट कर चुका है और उसने अभी तक लगभग 4 या 5 यूट्यूब वीडियोस अपलोड करे हैं। और गाइस वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई मुझे प्रमोशन कर दो ताकि जो भी है ना उसकी जो भी फैमिली है वो यूट्यूब के जरिए चले, उसकी जो भी वर्क कर रहा है, जो भी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या फिर फुल टाइम वो जो भी हो वो जॉब कर रहा है उससे है ना उसको हेल्प हो। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले तो लाइफ में आप रिस्क ना लो। ठीक है, स्पेशली अगर आप अपने दम पर, अपने अगर पैरों पर खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो या फिर आपकी है ना कोई भी सेविंग्स नहीं है, तो गाइस क्योंकि मैंने खुद फेस करा है और आप इन फ्यूचर आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाला, हालांकि अगर आप अभी नहीं फंसते हो तो जाके बाद में इस चीज़ को है ना आप रियलाइज करोगे और आप एक दिन बहुत ही बुरी तरह से फंसोगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ गाइज, देखो यूट्यूब चैनल स्टार्ट आज के डेट पे कोई भी कर सकता है और गाइज आप सभी को पता है कि आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन है, लेकिन ग्रो करना इतना भी नामुमकिन नहीं है और इतना भी मुमकिन नहीं है, याद रखना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ। और प्रमोशन की बात करें तो गाइज देखो, जो भी मेरे फॉलोअर्स है, जो भी मेरे यूट्यूब की फैमिली है, जो भी 15,000 की मेरे अभी फैमिली हुई है, ये मेरी फैमिली है, तो जो भी लोग मुझे देखते हैं, हालांकि एक वीडियो अपलोड करो तो कुछ कैटेगरी के वीडियोस में कुछ ज़्यादा लोग देखते हैं, कुछ कैटेगरी के वीडियो में कुछ बहुत ही कम लोग देखते हैं, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो कितने लोग देखोगे, लेकिन जितने भी लोग देखोगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं लाइक जरूर से करना। तो यहाँ पे है ना कि मेरी जो कॉन्टेंट है ये मैं थोड़े बहुत मिक्स कॉन्टेंट डालता हूँ यहाँ पे और मेरे अलग अलग ऑडियंस मेरे यहाँ पे है मेरे चैनल पे। तो अगर मान लो कि मैंने आपकी चैनल को प्रमोशन कर दिया, जैसे मैंने प्रमोशन कर दिया तो क्या गारंटी है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी जो यूट्यूब चैनल की फैमिली है, वो उनके है ना जो भी चैनल उन्होंने क्रिएट करा है, जो भी चैनल का प्रमोशन करा है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उनको भी उनकी जो भी वीडियोस है, उनकी जो कंटेंट है, उनको पसंद आनी चाहिए। जिसको जिस चैनल से फ़ायदा होता है वो बंदा उसी चैनल पर रहता है, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाइज मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब इससे ये कि है, सिर्फ आपको नहीं, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खुद से मेहनत करो, खुद से वीडियो अपलोड करो। आप मेरे चैनल पे नहीं, आप बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं है ना, सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोस देखो, उन्होंने छोटे से लेके बहुत बड़ी तक है ना यहाँ पे वीडियोस बना के बताई है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे टैग्स लगाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, कैसे वीडियो की टॉपिक्स फाइंड करनी है, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उनके हिसाब से चलो, रेगुलर रहो है ना, रेगुलर आपको काम करना, हालांकि आप डेली नहीं, हर 2 दिन में एक बार वीडियो अपलोड करो या फिर आप है ना 1 हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम निकाल पाते हो। रेगुलर रहो, वीडियो अपलोड करो, रेगुलर वीडियो अपलोड करो। और गाइस
मैं हर बार आप सभी को बताऊं कि मिनिमम 3 महीने तक आपको कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करनी है, उसके बाद गैस आपको कहीं ना कहीं एक ना एक वीडियो वायरल मिल जाएगा। जैसे ही वो वीडियो वायरल हो जाता है, बाकी के वीडियोस भी आपको उसी के रिकमेंडेड में लाना है और बाकी के वीडियोस भी आपके वायरल हो जाएंगे और इसी के साथ साथ आपकी जो भी थ्रेशोल्ड है यूट्यूब की, है ना, वो जरूर से कम्प्लीट हो जाएगी और आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। गाइस ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब के साथ आपके पर्सनली कोई दुश्मन हो क्योंकि आपका वीडियो कोई, है ना, वो रिकमेंडेड या फिर ब्राउज फिशर या फिर वायरल नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखो, प्रमोशन के लिए आप किसी के पास मत जाओ। हालांकि अगर आप किसी के पास जाते हो तो नए नए जो भी क्रिएटर्स है वो लोग आपकी प्रमोशन कर देंगे, लेकिन प्रमोशन से कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, लगभग आपके 50-60 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे अगर आपके वीडियोस एक बार देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो नहीं आए तो, राइट। तो यार कुछ चीजें हैं उनको ध्यान में रखो अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो। देखो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन गाइस मुश्किल भी नहीं है अगर आप कंटिन्यू काम करते हो तो। यार यहाँ पे देखो, आपको एज ए फुल टाइम तो पहले आपको यूट्यूब नहीं लेना है। अभी तक मैं जो यूट्यूब आप सभी को बताएं, मेरे 2 चैनल है, एक गेमिंग चैनल, उसके साथ साथ ये चैनल और साथ ही साथ वेबसाइट भी मैं, है ना, मैनेज करता हूँ। तो जो भी ये चीज़ें हैं मैं इसको सेकेंडरी रखा हूँ, और मेरी जॉब है जहाँ से मैं अच्छी खासी पैसे कमा लेता हूँ, और जो भी यूट्यूब और ब्लॉगिंग जो भी है मैं इसको सेकेंडरी रखा हूँ क्योंकि इसको मैं फुल टाइम अभी नहीं दे सकता हूँ। जैसे कुछ गोल्स हैं मेरे, इस गोल्स को जैसे मेरी कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको मैं एज ए फुल टाइम भी ले सकता हूँ इन फ्यूचर, लेकिन अभी मैं इसको फुल टाइम नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसे ही गाइस आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ यार बहुत सारे छोटे छोटे बंदे, है ना, देखो यार छोटे बंदे जो भी वीडियो अभी क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, या फिर देखो उनकी क्यूटनेस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो क्यूट है वो बच्चा, अगर, है ना, बात करता है अच्छी तरीके से बात करता है, उसकी जो वॉइस है जो भी तोतला के बात करता है या फिर जो भी हो, है ना, अगर उनको लोग पसंद करते हैं तो यार एक दिन में आपका, है ना, लाखों मिलियंस में भी फॉलोअर्स आ सकते हैं, है ना। ऐसी जो भी चीज़ें इंसिडेंट हुई है, लेकिन गाइस देखो अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यार ये पहले तो आपको मेहनत करनी होगी और बाद में आपको ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना होगा। पहले तो आपको टोटली वीडियोस अपलोड करो, मेहनत करो, वीडियो क्रिएट करो और बाकी भगवान के हाथ में छोड़ दो। एक दिन आप जरूर से ग्रो करोगे। लेकिन गाइस यही है, थंबनेल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। होप की चीज़ें गाइज समझ में आ चुकी होगी आप सभी को। कुछ भी डाउट्स हो तो यार नीचे कमेंट कर देना। हालांकि मैंने एक छोटी बात कही है 8 मिनट तक कि आपको मेहनत खुद करना है गाइज, खुद करना है, याद में रखना। आपका अगर चैनल कोई प्रमोशन भी कर देता है ना तो गाइज आपका चैनल जो है ग्रो नहीं होने वाला है। इसके लिए सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।